सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके जिसने जियो सिम इस्तेमाल करते हैं और जिसने एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो सर मैं आप लोग को जो बताऊँगा वो काफ़ी जितने सारे जियो सिम का यूज़र हो तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताया था। दोस्तों, जिसने जियो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड उसके साथ आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करता है, उस फ़ोन के अंदर आपको एक माई जियो नाम पर एक ऐप आता है, ठीक है। तो माई जियो नाम पर जो ऐप होता है, तो उस ऐप के अंदर कैसे आपका अकाउंट बनानी है, ठीक है, कैसे अकाउंट बनानी है एंड उस अकाउंट को बनाने के बाद इस अकाउंट के अंदर कैसे आपका जो जियो नंबर है, उस जियो नंबर को रजिस्टर करना है, वो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो पर लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। दोस्तों, माई जियो का जो ऐप आता है, उस माई जियो के ऐप के अंदर आपका जो जियो नंबर है, उस जियो नंबर को आपका रजिस्टर करके रखते हैं, ठीक है, आईडी बना के रखते हैं। तो वहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होगा, जियो सिम के अंदर जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो कितना जीबी आपका ये वहाँ पर इंटरनेट है वो सारे सारे डिटेल्स में चेक कर सकते हो। उसके साथ आपका कौन कौन व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद आपको कौन कौन व्यक्ति को SMS कर रहा है, सारे सारे जो भी डिटेल्स है वो माई जियो का जो ऐप है, उस माई जियो के ऐप के अंदर जाके उसका डिटेल्स चेक करके देख सकते हो कि आपका यहाँ पर आपका डेटा बैलेंस कितना है एंड आपका यहाँ पर जो बात कर रहे हो वो आपका कितना बैलेंस है, उसके साथ आपका जो SMS कर रहे हो वो कितना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में चेक करने में बहुत मदद करेगा वो माई जियो का ऐप। तो उस माई जियो का जो ऐप है, उस ऐप के अंदर कैसे आपको एक ID बनानी है एंड आपका जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को कैसे रजिस्टर करना है, वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर लाइव प्रूफ के साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो को कहाँ पर स्किप नहीं करना है। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो मैं चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड मोबाइल फ़ोन के अंदर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर माई जियो का जो ऐप है, उस माई जियो का ऐप को सिंपली आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हूँ, लेकिन तभी मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे उस ऐप को इंस्टॉल करना है। सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए एंड प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च कीजिए माई जियो एंड माई जियो सर्च करने के बाद सबसे पहले जो आपको ऐप देखने मिलेगा उसी ऐप को सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो, आपका पहले से आपको फ़ोन के अंदर है तो उस ऐप को अपडेट कर लीजिए, या फिर नहीं है तो सिंपली उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और उस ऐप का लिंक मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके भी उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो आपका फ़ोन के अंदर। आप सिंपली मैं यहाँ पर देखो ओपन करने के लिए बता रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ऐप को मेरा फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप सिंपली मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। उस ऐप को सिंपली ओपन करने के बाद सिंपली आपको कहना क्या होगा, जो जियो नंबर आपका फ़ोन के अंदर उस सिम कार्ड को इंसर्ट करके रखा हुआ आपका फ़ोन के अंदर, तो उसी जियो का जो नंबर है उस नंबर को आपको सिंपली यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो मोबाइल जियो फाइबर जियो फाइव जियो लिंक, ठीक है। तो आपके पास जो भी हो उसी का जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को आपको सिंपली यहाँ पर इंटर करना है। तो सिंपली यहाँ पर देखो इंटर मोबाइल नंबर, तो सिंपली मेरा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को सिंपली मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो आप सिंपली आपका जो भी नंबर है उस नंबर को सिंपली यहाँ पर इंटर कर लीजिए। तो मैं मेरा यहाँ पर नंबर को सिंपली इंटर कर लिया एंड मोबाइल नंबर को सिंपली इंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर देखो लॉगिन करने का एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर देखो आपका लॉगिन बोल के एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देने हैं। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एक OTP आएगा आपका मोबाइल नंबर पर, उसके बाद वेरीफाई होकर ओपन हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर देखो जो सिम कार्ड आपका मतलब जिस नंबर यहाँ पर आपका माई जियो के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं ID बना रहा है, तो वो सिम कार्ड आपका उसी फ़ोन के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर देखो मेरा जो नंबर यहाँ पर मैंने रजिस्टर किया हूँ माई जियो के ऐप के अंदर, तो वो सिम कार्ड मेरा उसी फ़ोन के अंदर है जिस फ़ोन के अंदर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसीलिए ऑटोमेटिक OTP आया एंड ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कंप्लीट हो गया है। तो वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो मेरा माई जियो का मतलब मेरा जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर मेरा माई जियो का ऐप के अंदर रजिस्टर हो चुका है, यानी ID मेरा बन चुका है। अब सिंपली यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका देखो यहाँ पर डाटा बैलेंस देखने मिल रहा है, उसके बाद आपको मतलब प्रीपेड, ठीक है, यहाँ पर एक्सपायर कब तक मेरा ये डाटा प्लान मतलब मेरा जो प्लान यहाँ पर मंथली पैकेज जो मैंने यहाँ पर रिचार्ज करके रखा हूँ वो कब तक यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है सब कुछ, उसके बाद कॉल्स हिस्ट्री, उसके बाद आपका SMS हिस्ट्री, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। तो आने वाले वीडियोस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आपका यहाँ पर आपका कॉल्स मैसेज, ठीक है, वो आपका उसका हिस्ट्री चेक करना है, जो मेन चीज़ वो मैं आप लोगों को दिखा दिया। एंड आने वाला वीडियोस पर मतलब नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपका माई जियो ऐप के अंदर आपका कोई भी जो नंबर है उस नंबर का हिस्ट्री मतलब कैसे आपका कॉल हिस्ट्री एंड SMS हिस्ट्री वो आपका चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियोस बनाकर दे दूंगा। तो इसलिए कहना होगा, इसलिए मेरा जो चैनल है उस चैनल को जरूर नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए,
ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा रहेगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, चला आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।